नमस्कार, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की पूरी संपूर्ण जीवन कथा, उनके संपूर्ण जीवन के बारे में कि उनका जीवन आखिर कैसे बीता, कैसे एक ब्रह्म ऋषि या यूं कहूं तो कैसे एक राजपुत्र, एक राजा, एक राजकुमार क्षत्रिय ब्राह्मण बन गया, ब्रह्म ऋषि के पद पर आसीन हो गया। आज मैं आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे एक राजा एक ब्रह्म ऋषि से टकरा गया, कैसे एक नरेश वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के साथ युद्ध में फंस गया, कैसे एक नरेश ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के सभी पुत्रों की हत्या कर दी, कैसे महर्षि विश्वामित्र एक अप्सरा के प्रेम जाल में फंस गए, कैसे उन्होंने एक स्वर्ग की रचना कर दी। कहा जाता है कि स्वर्ग, धरती, सूरज, चंद्र, नक्षत्र, तारा मंडल, सप्तऋषि, ये सब देवता की रचना है, लेकिन कैसे एक व्यक्ति अपने तपस्या के बल पर में इस सृष्टि में खुद की स्वर्ग की रचना कर सकता है। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक महान विभूति के बारे में, एक महान दिव्य पुरुष के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो mishrafollywood.com। तो चलिए शुरू करता हूं और आपको बताता हूं मैं ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की संपूर्ण जीवन कथा। दोस्तों, एक राजा थे जिनका नाम था गांधी और गांधी के पुत्र हुए जिनका नाम हुआ कौशिक। कौशिक कुमार धीरे धीरे जन्म हुआ, वो युवा अवस्था में आया, उसकी पढ़ाई लिखाई हुई, संपूर्ण शिक्षा पूरी हुई और वो एक राजकुमार राजा बनने के योग्य हो गया और उसे बना दिया गया महाराज कौशिक। महाराज कौशिक एक बहुत ही प्रजावत्सल, अपने प्रजा की देखरेख करने वाले, अच्छे से ध्यान रखने वाले, एक पिता की तरह अपने प्रजा को पुत्र के रूप में, संतान के रूप में समझने वाले राजा थे, जिन्होंने अपने संपूर्ण प्रजा की बहुत अच्छे से देखरेख की, जिसे प्रजावत्सल का उपाधि दिया गया था। एक वक्त आया जब महाराज कौशिक ने ये निर्णय लिया कि आज मैं अपने राज्य में भ्रमण पर में जाऊंगा और अपने प्रजा के सामने या उनके सामने जाकर के उनकी दुख सुख पीड़ा का आभास करूंगा, और वे अपने समस्त सेना के साथ, अपने 100 पुत्र के साथ निकल पड़े राज्य भ्रमण पर। जब वो राज्य भ्रमण पर निकल पड़े, उसके बाद भ्रमण करते करते अपने प्रजा की सुध लेते लेते, अपने प्रजा का हाल समाचार जानते जानते वो पहुंच गए एक जंगल में, एक वन में, निर्जन वन में, और वहां पहुंच करके उन्होंने देखा कि एक ब्रह्म ऋषि का आश्रम है, एक ऋषि का आश्रम है, एक मुनि का आश्रम है, ब्रह्म ऋषि का उन्हें बाद में पता चला। जब वो वहां पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को, वो तुरंत उनके चरणों में गिरे, उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। ब्रह्म ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, यशस्वी भव, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, सर्व मनोकामना पूर्ण भव, यानी कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, आप लंबे चिरकाल तक जीवित रहे, आप यशस्वी हो, आपके समान दूसरा राजा ना हो। बहुत सारा आशीर्वाद उन्होंने दिया महाराज कौशिक को और उन्होंने फिर उनका आदर सत्कार किया और उनसे वहां पर भी रुकने की प्रार्थना की ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने कि हे राजन कौशिक, हे महाराज, आप हमारे राज्य के राजा हैं, अभी आप यहां पर में रुके और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। महाराज कौशिक को ऐसा लगा कि मेरे पास अभी हजारों की सेना है, 100 पुत्र हुए, मैं हूं, मेरी संपूर्ण सेना है, ब्रह्म ऋषि को हमारी आतिथ्य सत्कार करने में बहुत तकलीफ होगा, कष्ट होगा, और उन्होंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया कि हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप हमें आज्ञा दें, मैं आपको तकलीफ कष्ट नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि इतने सारे लोगों की आतिथ्य सत्कार करने में आप काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने कहा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हमें अवसर तो दें और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो तब आप बाद में मुझसे कहना। उन्होंने कहा कि ठीक है। काफी ज्यादा जब ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने काफी ज्यादा उनसे आग्रह किया था, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके यहां पर में रुक जाता हूं, और ऐसा ही हुआ, वो रुक गए।
उनके पास लमसम लगभग अभी के समय का अगर लू मैं तो 10,000 लोग उनके सैनिक थे, उनके पुत्र हुए राजा स्वयं, यही टोटल जो नंबर ऑफ पीपल थे वो 10,000 थे। उसके बाद ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने नंदनी गाय का आह्वान किया जो माता कामधेनु की पुत्री थी, उनकी बछड़ा थी। उन्होंने उसे आह्वान किया, नंदनी गाय तुरंत स्वर्गलोक से धरती पर में आई, ब्रह्म ऋषि के आश्रम में आई और उन्होंने कहा कि हे ब्रह्म ऋषि, हे प्रभु, मुझे आज्ञा दे कि आप मुझसे क्या सेवा लेना चाहते हैं। और इस पर में ब्रह्म ऋषि महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हे नंदनी, तुम यहां पर, मैं हमारे यहां जितने भी लोग हैं, आतिथ्य हैं, उन सभी का, अतिथि का तुम आतिथ्य सत्कार करने के लिए हमें समस्त प्रकार का व्यंजन प्रदान करो। उन्होंने अपने योग बल से, नंदनी ने क्योंकि कामधेनु माता कामधेनु की वो बछड़ा थी पुत्री, उन्होंने अपने योग बल से वहां पर में तुरंत अनेक प्रकार के, कहते हैं ना, 56 प्रकार की भोग की व्यवस्था की और जितने 10,000 सैनिक थे उन सभी के लिए अथाह भोजन का व्यवस्था कर दिया, पर्याप्त भोजन की व्यवस्था कर दी। खाने के बाद भी बहुत सारा भोजन बच गया। राजा को काफी आश्चर्य हुआ कि एक साधारण सा ऋषि कैसे इतना व्यवस्था कर सकता है। उसने महर्षि से पूछा कि हे ब्रह्म ऋषि, आपने इसकी व्यवस्था कैसे की, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक साधारण सा ऋषि, एक ब्राह्मण कैसे इतने सारे लोगों को भोजन करा सकता है। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, हमारे पास माता कामधेनु का दिया हुआ एक बछड़ा है जो स्वयं देवराज इंद्र ने मुझे प्रदान किया था, मुझे जब भी जरूरत होती है जिन चीजों की, मैं उन्हें याद करता हूँ विशेष परिस्थिति में, और वो हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इसीलिए कहा जाता है कि गौ सेवा करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी गाय है वो माता कामधेनु की ही तो संतान है, भले ही उनकी शक्ति कम हो गई हो, भले ही उनकी क्षमता कम हो गई हो, भले ही उनका पावर कम हो गया हो, लेकिन पुण्य तो उतना ही प्राप्त होगा, गौ सेवा का फल तो उतना ही मिलेगा। भले ही वो मुझे ज्यादा से ज्यादा सांसारिक वस्तु ना प्रदान कर पाए, लेकिन पुण्य तो प्रदान करेगी, इसलिए गौ सेवा हमेशा करना चाहिए। राजा ने सोचा कि कैसे एक गाय इतने सारे चीजों की व्यवस्था कर सकती है, उन्होंने कहा मैं देखना चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक है। ब्रह्म ऋषि गाय के सामने पहुंचे, कहा कि हे नंदनी, मैं चाहता हूं कि तुम राजन के लिए इस वस्तु की व्यवस्था कर दो। तुरंत नंदनी ने महाराज के लिए, राजन के लिए उस वस्तु व्यवस्था कर दी जिसकी उन्होंने इच्छा जाहिर की। राजा को काफी आश्चर्य हुआ कि आखिर ये तो कमाल हो गया, हमारा राज्य इतना बड़ा है, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, समस्त देशों में मेरा शासन काल चल रहा है, सारे राजा मेरे अधीनस्थ हैं, अधीन हैं, और मेरे पास तो ऐसी चीज ही नहीं है, धन दौलत रुपया पैसा बहुत है, सब कुछ है, लेकिन ऐसी चीज तो नहीं है जो मैं जब जो चीजें चाहूँ वो चीजें प्राप्त कर सकूँ। राजा ने काफी विनती की कि हे ब्रह्म ऋषि, आपको इन चीजों की क्या जरूरत है, आप मुझे ये गाय दे दे, इसके बदले आप मुझसे जो भी चीजें चाहते हैं वो आप मुझसे ले लें, मैं आपको उन सभी चीजों को प्रदान करने की क्षमता रखता हूं और आपको प्रदान भी करूंगा। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने मना कर दिया कि हे राजन, मैं आपको ये गाय नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो मेरा भी नहीं है, ये तो देवराज इंद्र ने मुझे गिफ्ट के तौर पे, उपहार के तौर पे, मेरे ब्रह्मत्व से खुश होकर के उन्होंने दिया है। जब उन्होंने देने से मना कर दिया तो राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि जाओ और इस गाय को पकड़ लो और इस ऋषि को बांध लो। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को एक साइड करके बंदी बना लिया गया और उनके गाय को, बछड़ा को समस्त सैनिकों ने पकड़ करके, बांध करके राजा के पास ले आया। राजा ने कहा कि ब्रह्म ऋषि, मैंने आपसे बहुत ही आदर और सम्मान से इस गाय की याचना की, लेकिन आपने नहीं दी, तब मुझे जाकर के लास्ट में अपने शक्ति का परिचय देना पड़ा है और अब मैं बल से इस गाय को अपने साथ ले जा रहा हूं। गाय भी काफी, नंदनी काफी दुखी थी, वो आई और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से कहने लगी कि हे ब्रह्म ऋषि, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्म ऋषि की आंखों में भी आंसू था, उन्होंने कहा कि हे नंदनी, ये राजा है और इसके इस पास इतनी सेनाएं हैं, मैं तुम्हारी इनसे रक्षा करने में असमर्थ हूं।
नंदिनी का नहीं नहीं आपको असमर्थ होने की तो जरूरत ही नहीं है, आप एक बार बस आज्ञा करें, आप एक बार बोले बस मैं तो अभी इसके समस्त सैनिकों को नष्ट कर दूंगी, राजा सहित क्षण भर में इनके समस्त सैनिकों को नष्ट कर दूंगी, इतनी क्षमता है हमारे पास। ब्रह्म ऋषि ने देखा कि जब कोई उपाय नहीं है, कुछ भी तरीका नहीं है बचने का, तो उन्होंने गाय को आज्ञा दी कि हे नंदिनी अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो इन सबको नष्ट कर, राजा उनके पुत्र को आप छोड़ देना, बाकी सबको नष्ट कर। नंदिनी ने तुरंत अनेक अस्त्र शस्त्रधारी सैनिक उत्पन्न कर दिए, अनेक चतुरंगनी सेना आ गई और उन्होंने तुरंत गाजर मूली की तरह महाराज कौशिक के समस्त सैनिकों को नष्ट कर दिया, उनकी बध कर दी, उनकी हत्या कर दिया, वो उनको मार डाला, जो भी समझो शब्द के मामले। महाराज को काफी तकलीफ हुआ, उन्होंने कहा कि कैसे ये सब संभव हो पाया, मेरा सारा सैनिक मारा जा चुका है। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्रों का आदेश दिया कि जाओ और महर्षि वशिष्ठ की हत्या कर दो, इस गाय को लेकर के चलो। जैसे ही उनके सभी पुत्र महर्षि वशिष्ठ को मारने के लिए आगे बढ़े, महर्षि वशिष्ठ ने तुरंत उन सबको श्राप दे दिया कि जाओ तुम अभी इसी वक्त भस्म हो जाओ। 100 में से 99 पुत्रों को उन्होंने भस्म कर दिया, एक पुत्र को उन्होंने छोड़ दिया कि जा जो आगे चल करके महाराज का वंश को चलाए। ब्रह्म ऋषि का मतलब यही है कि इतना भी क्रोध गुस्सा आ जाए फिर भी अपने बुद्धि से काम लेना, और उन्होंने एक पुत्र को छोड़ दिया। महाराज काफी दुखी हुए, दुखी होकर के वो चल पड़े अपने राज्य की तरफ। उन्होंने अपने पुत्र को सिंहासन सौंप दिया और वो चले गए हिमालय के मंदराओं में तपस्या करने के लिए। वीडियो काफी लंबी होती जा रही है इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को। वो हिमालय के मंदराओं में चले गए तपस्या करने के लिए। उसके बाद वहां पर में जब उन्होंने कई सालों तक तपस्या की, उसके बाद ब्रह्मदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि मांगो क्या वरदान मांगते हो। उन्होंने कहा कि मुझे ब्रह्म ऋषि बना दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें राज ऋषि का वरदान देता हूँ, विश्वामित्र आज से तुम्हारा नाम हुआ और मैं तुम्हें राज ऋषि का वरदान देता हूँ, राज ऋषि भव। विश्वामित्र काफी दुखी हुए, वो खुश नहीं हुए राज ऋषि से। उन्होंने कहा कि कैसे राज ऋषि वशिष्ठ तो ब्रह्म ऋषि है, मैं उसे कैसे जीतूंगा। वो खुश नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने वहां पर में एक स्टॉप लगा दी। यहाँ पर बीच में एक और कथा आ जाती है, स्टॉप लगा दी। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होगा, मुझे भगवान शिव की तपस्या करनी चाहिए। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की, मुझे समस्त अस्त्र शस्त्र का शिक्षण लिया, समस्त अस्त्र को अपने अंदर उन्होंने संभाल लिया। वो पहुंच गए ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से युद्ध करने के लिए। उन्होंने काफी युद्ध की, उसके बाद भी वो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से जीत नहीं पाए और वहां से फिर से वो लौट के चले गए। उन्होंने कहा कि कभी भी क्षत्रिय कितना भी बलशाली हो जाए, एक ब्रह्म ऋषि से एक ब्राह्मण से जीत नहीं सकता, योग बल से वो नहीं जीत सकता। उसके पास भौतिक शक्तियां कितनी भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मण के पास जो ब्रह्म ऋषि है, जो ब्रह्मत्व का अभी भी ज्ञान रखता है, उसके पास योग बल की शक्ति है, पुण्य की क्षमता है, जन्मजात शक्ति है। और वो फिर लौट करके चले गए, फिर तपस्या करना उन्होंने शुरू कर दिया। तपस्या करते करते जब काफी समय बीत गया, उनके शरीर से जब अनेकों सूर्य जैसी कांति निकलने लगी, चंद्रमा से भी ज्यादा तेज निकलने लगा, तब ब्रह्मदेव एक बार फिर से प्रकट हुए और कहे कि जो महर्षि भव, विश्वामित्र महर्षि भव, आज से तुम महर्षि हो। राज ऋषि और महर्षि हो गए, फिर भी वो खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो ब्रह्म ऋषि का वरदान चाहिए। उन्होंने और तेज तपस्या करनी शुरू कर दी, जब तपस्या अपने चरम सीमा पे पहुंच गया, जब उन्होंने अन्न जल श्वास तक को रोक दिया, तपस्या अपने चरम सीमा पे पहुंच गया, तब जाकर के देवराज इंद्र ने सोचा कि अब अगर ये ब्रह्म ऋषि हो गए तो हो सकता है हमारे स्वर्ग को खतरा हो जाए। और उन्होंने वहां पर में रंभा नाम की एक, सबसे पहले रंभा नाम की एक अप्सरा थी स्वर्ग में जो बहुत सुंदर थी, उसको उन्होंने भेजा। विश्वामित्र महर्षि अब महर्षि हो चुके थे, राज ऋषि हो चुके थे विश्वामित्र, राज ऋषि विश्वामित्र ने, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने उस रंभा को पाषाण की मूर्ति बना दी अपने शक्ति से, तपोबल से, और रंभा वहीं पर में पाषाण की पत्थर की मूर्ति हो गई। तब जाकर के देवराज इंद्र, देवेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र, उन्होंने मेनिका को भेजा, वो स्वर्ग लोक की सबसे खूबसूरत अप्सरा थी। मेनिका को भेजा, उन्होंने कहा कि जाओ तुम में ही ऐसी क्षमता है कि तुम ही महर्षि विश्वामित्र को अपने
बस में कर सकते हो, अपने रूप के जाल में फंसा सकते हो और उनके तप को भंग कर सकते हो। ठीक ऐसा ही हुआ, मेनका धरती पर में आई स्वर्ग लोक के पश्चात और उसने अपने को पूरा एक धरती की जो युवती होती है उस रूप में ढाल लिया। सब कुछ इस प्रकार से विश्वामित्र को मोहित किया कि विश्वामित्र उनके जाल में वाकई में फंस गए। उनकी पत्नी का चेहरा उनमें नजर आने लगा और उन्होंने मेनका से विवाह कर लिया। अर्थात विश्वामित्र का जो ब्रह्मचर्य व्रत चल रहा था, जो तपस्या चल रही थी, ब्राह्मण बनने की जो तपस्या चल रही थी, पूजा पाठ चल रहा था, वो समाप्त हो गया और महर्षि यानी कि राज ऋषि विश्वामित्र अब केवल विश्वामित्र रह गए थे, ब्रह्म ऋषि नहीं बन चुके, वो एक ऋषि महर्षि या राज ऋषि तक ही सीमित रह चुके थे। इन दोनों का विवाह हो गया, गंधर्व विवाह इन्होंने किया। विवाह करने के पश्चात इनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम रखा गया शकुंतला। बहुत लंबी कथा है ये तो, लेकिन फिर मैं शॉर्ट में प्रयास करता हूँ कहने का। शकुंतला और वहां से देवराज इंद्र का आदेश हुआ कि हे मेनका, अब तुम तुरंत स्वर्ग लोक में आ जाओ, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है तुम्हारे साथ। और इस बात से डर करके, इंद्र के डराने से, मेनका का जाने की इच्छा नहीं थी विश्वामित्र को छोड़कर, क्योंकि उन दोनों में काफी प्रेम हो चुका था, वो जाना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर भी इंद्र के साप के डर से वो अपनी पुत्री को विश्वामित्र को सौंप करके चली गई। विश्वामित्र ने भी अपनी पुत्री को कहा कि ठीक है, उन्होंने भी एक ऋषि को सौंप दी जिनका नाम था गौतम ऋषि को उन्होंने सौंप दिया। गौतम ऋषि के आश्रम में वो शकुंतला नाम की जो लड़की थी वो बढ़ने लगी, बढ़ते बढ़ते जब वो युवा अवस्था में आई तो उस वक्त एक राजा हो चुके थे जिसका नाम था दुष्यंत। दुष्यंत से उनका प्रेम हो गया और प्रेम विवाह, उन्होंने गंधर्व विवाह किया शकुंतला और दुष्यंत ने। इन दोनों का एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया भरत, जिसके नाम पे आज हमारे देश का नाम भारत है। भरत नाम रखा गया। उसके बाद भरत वहां का राजा हुआ। अब ये एक पार्ट यहां पर में समाप्त होता है, भरत की कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा, भरत दूसरे वीडियो में देखा जाएगा। भरत नाम रखा गया और भरत आगे चल के राजा हुआ और भरत के नाम पर में ही इस देश का नाम भारत पड़ा। आगे विश्वामित्र अपने तपस्या में फिर से जाकर के लीन हो गए। इसी बीच एक त्रिशंकु नाम का राजा विश्वामित्र के पास पहुंचता है। सबसे पहले त्रिशंकु के मन में एक इच्छा जागृत होती है कि मैं स्वशरीर ही स्वर्ग जाऊं। इस बात को लेकर के वो पहुंचता है ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में, मगर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ अपनी असमर्थता जताते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें वहां भेजने में समर्थ नहीं। उसके बाद वो दुखी होकर उनके पुत्र के आश्रम में पहुंचता है। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के जो पुत्र थे उनके आश्रम में पहुंचता है, वहां पर भी कहता है कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, आपके पिताजी से तो बातचीत हुई मगर उन्होंने अपनी आत्मसमर्थता में उन्होंने कहा कि मैं असमर्थ हूँ। इससे उनके पुत्र काफी ज्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम मेरे पिताजी का कहीं अपमान तो नहीं कर रहे? मेरे पिता ने जब ये कह दिया कि मैं असमर्थ हूँ, मैं तुम्हें नहीं भेज सकता, तुम मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने अपने हाथ में जल लिया, ब्राह्मण के पास तो ब्रह्मत्व शक्ति, जो बोल देगा अगर वो सही सच्चे मन से तो आपको वो पूरा होगा। और उन्होंने जल निकाला, तुरंत कहा कि जाओ तुम चांडाल हो जाओ। और वो राजा त्रिशंकु चांडाल हो गया। उसके दरबारी राजा के मंत्री जितने भी थे सब उसको छोड़ करके चले गए। वो दुखी मन से अपने राज्य में पहुंचा और फिर जाकर वो विश्वामित्र के पास गया। विश्वामित्र से अपनी सारी वृत्तांत बताई। उन्होंने कहा कि हे ब्रह्म ऋषि, उन्होंने विश्वामित्र को पहला वो व्यक्ति था जो उनको ब्रह्म ऋषि कहा, हे ब्रह्म ऋषि, मैं आपके शरण में आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे स्वदेह सशरीर स्वर्ग भेजिए, मैंने आपका काफी नाम सुना है। विश्वामित्र ने उसकी सारी वृत्तांत को सुनकर कहा कि जब वशिष्ठ से स्वर्ग नहीं भेज पाए, क्योंकि अच्छाई से अच्छाई को काफी जलन होता है, उन्होंने कहा कि जब वशिष्ठ से स्वर्ग नहीं भेज पाए, अगर मैं भेज दूंगा तो मेरा नाम तो काफी ऊपर हो जाएगा। और उन्होंने ऐसा ही किया, कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूरी करूंगा। और उन्होंने स्वर्ग भेजने के लिए यज्ञ की शुरुआत कर दी। उस यज्ञ में उन्होंने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और कहा कि वशिष्ठ के सारे पुत्रों को भी बुलाओ। वशिष्ठ के पुत्रों ने, महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों ने यह कहकर के मना कर दिया कि जिस यज्ञ में चांडाल यजमान हो और क्षत्रिय पंडित हो, पुरोहित हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय जिसका पंडित हो, मैं उस यज्ञ में शामिल नहीं हो सकता। इस बात से क्रोधित होकर विश्वामित्र ने फिर से अपने कमंडल में से जल निकाला और उन सभी को श्राप दे दिया कि जाओ तुम सभी 700 साल तक चांडाल बन करके यमलोक में वास करो। और वो लोग चांडाल बन गए, सातों के सातों पुत्र, और चले गए यमलोक में।
अब जितने भी जंगल के ऋषि मुनि थे सबने कहा कि अब अगर ऐसी स्थिति होगी तो हमारी भी स्थिति खराब, अगर विश्वामित्र ने हमें श्राप दे दिया तो हमें भी चांडाल बनना पड़ेगा। और ये सोच करके वो लोग तुरंत उस यज्ञ में शामिल होने आ गए। यज्ञ में वो लोग तो शामिल होने आ गए, मगर जब यज्ञ समाप्त हुआ तब महर्षि विश्वामित्र ने सोचा कि अब देवताओं को आवाहन करने का वक्त है, उन्हें नैवेद्य देने का वक्त है। उन्होंने देवताओं को बुलाना आरंभ किया, लेकिन एक भी देवता वहां पर भी नहीं आया। इस बात से क्रुद्ध होकर के उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग यहीं से भेजता हूं। उन्होंने फिर अपने कमंडल में से जल निकाला और कहा, अपना मंत्र पढ़ा, उन्होंने तो आकाश में छिड़क दिया। चांडाल त्रिशंकु जो था वो स्वदेह स्वर्ग जाना स्टार्ट हो गया और स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गया। जब वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंचता है तो राजा इंद्र देवराज इंद्र ने कहा, अरे मूर्ख तू यहाँ क्या कर रहा है, तुझे गुरु ने तुम्हें श्राप दिया है कि तू स्वर्ग, जिसके कारण तू स्वर्ग में वास नहीं कर सकता। और इतना कहना था इंद्र का कि त्रिशंकु धीरे धीरे जमीन पर में आकाश से नीचे गिरने लगा। जैसे वो गिरने लगा और उन्होंने विश्वामित्र से याचना की कि हे ब्रह्म ऋषि, हे महर्षि, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। महर्षि विश्वामित्र ने आदेश दिया कि वहीं ठहर जा, और आकाश मंडल में ही त्रिशंकु ठहर गए। वो क्रोधित होकर के इंद्र के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि इंद्र, मैंने जिसे भेजा तुमने उसे रोक दिया, तुमने उसे जाने नहीं दिया। इंद्र ने कहा कि मैं असमर्थ हूं, मैं इसे स्वर्ग में एंट्री नहीं दे सकता। इस बात पे क्रोधित होकर के विश्वामित्र ने कहा कि मैं स्वयं स्वर्ग की रचना कर दूंगा। और विश्वामित्र ने स्वयं एक नए स्वर्ग की रचना कर दी। आकाश मंडल में एक नया स्वर्ग बन रहा था, देवताओं की तो स्थिति खराब हो रही थी कि नया स्वर्ग यानी कि नया इंद्र, नया सप्तऋषि, नए नक्षत्र मंडल, वो लोग काफी भयभीत हो चुके थे। मगर ऐसा ही हुआ, महर्षि विश्वामित्र ने आकाश में एक नए स्वर्ग की रचना कर दी और वहां का राजा त्रिशंकु को बना दिया। उन्होंने सप्तऋषि की भी रचना कर दी, विश्वामित्र ने नक्षत्र तारे मंडल की रचना कर दी और वो इंद्र नए इंद्र बनाने के बारे में सोच रहे थे। तभी समस्त देवी देवता उनके चरणों में आकर के गिर पड़े और कहे कि हे ब्रह्म ऋषि, हे महर्षि, आप हमारे कुल को क्षमा करें, कम से कम आप नया इंद्र नहीं बनाए, नहीं तो ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध हो जाएगा और फिर हमारा क्या हो। उन्होंने काफी जब मिन्नतें की तो विश्वामित्र ने कहा कि ठीक है, मैं इस बात का आपको आश्वासन देता हूं कि त्रिशंकु इसी लोक में रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, यहीं पर मैं ये अमर होकर के सदा चारों काल में, चारों युग में यहीं पर मैं अपना राज्य करेगा। और त्रिशंकु को वो राज्य दे दिया गया। इसके बाद विश्वामित्र फिर से आ गए अपने तप में। तब उन्होंने ऐसा कठोर तप किया, ऐसा कठोर तप किया, ऐसा कठोर तप किया कि ब्रह्मदेव बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने श्वास तक रोक दी प्राणायाम के द्वारा और ब्रह्म ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। वो आए ब्रह्मदेव, उन्होंने कहा कि हे विश्वामित्र अपनी आंखें खोलो, और ब्रह्म ऋषि भवा, और विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि हो गए। विश्वामित्र को इस बात का यकीन, उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे ब्रह्म ऋषि का वरदान दे रहे हो तो चारों वेदों को कहो कि मेरा वरण करें, क्योंकि जो वेद को जानने वाला है वही ब्राह्मण है। और विश्वामित्र ने ऐसा निवेदन किया और ब्रह्मदेव ने कहा कि ठीक है, और चारों वेद विश्वामित्र में समा गए। उनको समस्त वेदों का ज्ञान हो गया, ओंकार का ज्ञान हुआ विश्वामित्र को। और विश्वामित्र ऐसे पहले महर्षि थे, ब्रह्म ऋषि थे, जिन्होंने अभी जो आप गायत्री मंत्र सुनते हो, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, विश्वामित्र ही ऐसे थे जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी, गायत्री देवी को प्रकट किया था। गायत्री को बनाने वाले विश्वामित्र ही थे जिन्होंने सब सर्वप्रथम गायत्री का दर्शन किया था और गायत्री मंत्र की रचना की। तो यही थी एक राजकुमार कौशिक का राजा बनने से लेकर के ऋषि महर्षि बनने से लेकर के और ब्रह्म ऋषि बनने तक की कहानी। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। सबसे पहले तो ये वीडियो काफी लंबी हो गई, अभी भी मैंने काफी शॉर्ट कर दिया है क्योंकि ये वीडियो अप्रॉक्स एक घंटे से होनी चाहिए थी, मगर मैंने काफी शॉर्ट में आपको सुनाया। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप ऐसे ही कथा कहानी को सुनना चाहते हो, आप किस बारे में सुनना चाहते हो, कौन से टॉपिक के बारे में सुनना चाहते हो, उसका कमेंट के जरिए मुझे आप जरूर बताओ, मैं आपको उसके बारे में वीडियो जरूर बनाऊंगा, बताऊंगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।